अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड और नोट। इससे पहले हमने व्यू क्लॉज देखा था एंड और नोट। एंड और नोट जो है, जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं कि व्यू क्लॉज का, व्यू क्लॉज में क्या होता है कि एक कंडीशन जो है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर हम ये डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट जो है जिनका सिटी जो है इस्लामाबाद है, वो डिस्प्ले हो जाए, तो वो तो हो गया वेयर क्लॉज में, एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली। अगर हमारे पास दो कंडीशन आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये डिस्प्ले करो जिनका सिटी इस्लामाबाद है और उनकी क्लास जो है BS है, उसमें हम क्या करेंगे? क्या दो बार लिखेंगे वेयर सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद एंड क्लास इक्वल टू BS? ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कंपाइल मसला आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसके लिए एक नेक्स्ट चीज़ है जो है हमारे पास, वो है एंड ऑपरेटर। एंड का क्या करेगा, जिन जिन का जो जो स्टूडेंट्स जो से इस्लामाबाद के हैं और जो जो जिनकी क्लास जो से BS है, वो ही डिस्प्ले होंगे। दी एंड और ऑपरेटर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन, कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम एंड और ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एंड दी एंड ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ ऑल दी कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। बेसिकली हमारे पास एंड का जो सा सिंटेक्स है कि हमने जो कॉलम डिस्प्ले करवानी है, जैसे हमने डिस्प्ले करवानी है क्लास डिस्प्ले करवानी है, उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले फॉर एग्जाम्पल करवाना है, तो हम क्या करेंगे उनकी क्लास डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे उनका स्टूडेंट नेम का कॉलम देंगे और यहाँ पे उनका क्लास का कॉलम देंगे। कौन से टेबल से डिराइव करवाना चाह रहे हैं, उस टेबल का नेम और कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री, सो ऑन, जितनी भी कंडीशन आपने फुलफिल करवानी है। जैसे आप कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की एज 15 हो, जिन स्टूडेंट्स की क्लास उनकी है वो हो 9th हो, जिन स्टूडेंट्स का सिटी इस्लामाबाद हो, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कि ये फुलफिल तीनों होंगी कंडीशंस तब भी जो है वो डाटा जो है वो कॉलम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम जो है एंड यूज करते हैं। और अगर हम ऐसा कहें कि जो से ऐसे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जिनका सिटी इस्लामाबाद है और जिनकी एज जो है वो 19 है, उसमें क्या होगा कि हमारे पास या तो जिन स्टूडेंट्स की एज जो है 19 होगी वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, या जिन स्टूडेंट्स का जो सिटी इस्लामाबाद होगा वो डिस्प्ले हो जाएंगे, या दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी ना, वो कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। द और ऑपरेटर डिस्प्लेज द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू। सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, जो से कॉलम डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ वो सेलेक्ट में लिखें, जो फिल्टर करवाना चाह रही हैं या कह सकते हैं जो रिट्राइव करवाना चाह रहे हैं डेटाबेस में वो लिखें, कौन से टेबल से करवाना चाह रहे हैं और जहाँ पे जो जो कंडीशन चाहिए, कंडीशन वन और कंडीशन और सो ऑन, जितनी भी कंडीशंस आप फुलफिल करवाना चाहते हैं कि इनमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है ना, तो वो वाला कॉलम जो है डिस्प्ले करवा दो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अब नॉट ऑपरेटर इन द सेंस किस तरह से हम जो है हम कर सकते हैं यूज, कि उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जो BS में नहीं है, बाकी सारे जो से है ना, या इस तरह से कह सकते हैं उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जो पास नहीं है, जो फेल है, या इस तरह से कि कह सकते हैं कि जो जिनकी क्लास BS नहीं है, जिनकी जो सी एज इतनी नहीं है, जिनका सिटी इस्लामाबाद नहीं है, तो इस तरह से उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ। हम एक एक करके तो नहीं देख सकते क्या इसकी एज इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, तो एक सिंपल क्वेरी लगाई नॉट की और हमारे पास जो है सारे रिपोर्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिन पे ये चीज़ फुलफिल नहीं कर रही। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एंड का, एंड और नॉट सबको तीनों को इकट्ठे देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ये देखें, हमारे पास स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नंबर, क्लास, बीए, एडमिशन फी, फाइन, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इसमें जो सा हम करवाते हैं कि जिनकी क्लास BS है और जिनका जो सा है ये देख लेते हैं, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 देख लेते हैं, जिनकी क्लास BS हो और उनका डिपार्टमेंट नंबर जो सा वो 20 हो, इस तरह की क्यूरी लिखी जाए। तो हम देखते हैं, सेलेक्ट में हम लिखेंगे स्टूडेंट, उन स्टूडेंट का नेम हमने लिखना है, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, कौन से टेबल से निकालना है, फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, और नीचे हमें लिखनी है कंडीशन के जो कंडीशन हम फुलफिल करवाना चाह रहे हैं, वेयर वेयर हमारे पास हम क्या क्या चीज़ करवाना चाह रहे थे कि एक क्लास
वेयर क्लास जोन सी है उसकी BSO एंड उसका जोन सा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर जो सा है वो हो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20, वो रिकॉर्ड जो से हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए जिनका जो सा है क्लास उनकी BS है और डिपार्टमेंट नंबर 20 है, इसको एक बार सही तरह से देख लेते हैं, क्लास को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं और डिपार्टमेंट नंबर को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, अब सेटा से समझ आ जाएगा। ये देखिए जिनका जिनकी क्लास जोन सी है BS है और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है सिर्फ वो ही डिस्प्ले हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि इनमें से हमारे पास वो स्टूडेंट डिस्प्ले हो या तो उनकी क्लास BS हो या उनका डिपार्टमेंट नंबर 20 हो। इस तरह की अगर हमने कोई कंडीशन फुलफिल करवानी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे और लिख देंगे। अब यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट जिनकी या तो क्लास BS है या तो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि MSc आ गया, नहीं यहाँ पे देखें इनका डिपार्टमेंट नंबर तो 20 आया ना, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारे पास वो रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया होगा, स्टूडेंट नेम क्लास और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है पर इसकी क्लास जो है वो BS है। अब हम अगर ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास क्लास जोन सी है BS ना हो वो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, नोट क्लास इक्वल टू BS, सो वी विल एग्जीक्यूट दैट क्वेरी। ये देखिए जिनका जोन से क्लास जिनकी BS नहीं है वो सारे जोन से यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये थे हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।